तो हेलो गाइस, कैसे हो? तो गाइस फिर से स्वागत है आपको हमारे चैनल पर। आज गाइस वीडियो थोड़ा बड़ा होने वाला है और गेम प्ले बहुत ही ओपी होने वाला है, क्योंकि आज हम खेलने वाले लोन ऑफ स्ट्राइक आउट। हां गाइस, जो न्यू मूड आया हमारे लोन ऑफ स्ट्राइक आउट, तो हम खेलने वाले हैं। और इसका रूल्स और गाइस इसका गन कॉम्बिनेशन कौन सा आपको बेस्ट है, तो सभी आज आपको दिखाएंगे। तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर क्या क्या गन लिया है। तो सबसे पहले मैक्स 7, उसके बाद ओम या डेजर्ट या उजी, जो आपको पसंद है, जो भी पिस्तौल टाइप्स का वो आप ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर गाइस मैक्स 7 और डेजर्ट और ओम ले आए। तो इसका जो राउंड है, मतलब आपको तीन बार आपको चांस मिलता है, मतलब आप अगर तीन बार आप मर गए तो आप इससे एलिमिनेट हो जाओगे। हाँ गाइस, तो देखो गाइस मैंने यहाँ पर डेजर्ट से थोड़ी सी ट्राई किया वन टाइम मारने की, बट गाइस बॉडी शॉट थोड़ा सा लगा है। तो मैंने यहाँ पर ओम क्यों लिया, क्योंकि गाइस ओम से अगर मैंने ओम्स गाइस बहुत ही ओपी डैमेज देता है। मतलब एक गोली अगर ओम का लग गया तो मैक्स 7 का एक और दो गोली हम जैसे ही कनेक्ट कर देंगे वो वाला बंदा इमी मतलब वैसे ही मर जाएगा। तो आप देखो गाइस यहाँ पर मैंने थोड़ी सी कोशिश की मारने की, बट गाइस थोड़ा सा डैमेज मुझे भी हो गया। तो कोई बात नहीं गाइस, आपको मैं दिखाऊंगा कैसे गाइस आप जीत सकते हो ये वाला मैच। और हमेशा गाइस ये देखो, एक 150 का डैमेज दे दिया मैंने यहाँ पर 150 का, और गाइस दो गोली लगते ही गाइस बंदा फिनिश हो जाता है। तो यहाँ पर देखो गाइस, यहाँ पर हमारे 3 जो चाकू टाइप का था वो एक खत्म हो गया, मतलब एक बंदा एक बार मर चुका है। तो मैं यहाँ पर 8 पोजीशन पे था, मैंने 4th पोजीशन पे चला गया हूँ। अब मेरा मुझे फिर से और एक मैच खेलना पड़ेगा, और उस सेम ही गन कॉम्बिनेशन मैंने लिया है और यही मैं कंटिन्यू करूँगा। तो आपको दिखाऊंगा दूसरी बार आप कैसे जीत सकते हो, मतलब टफ टफ सिचुएशन और बहुत ही प्रो प्लेयर के साथ आप ये मैच जीत सकते हो। तो आप कभी भी रश करना मत, मतलब आप कभी भी रश करना मत जाना, आपको बस थोड़ी सी मतलब वेट करना है, एनिमी को देखना है जो कहाँ पर है, उसके बाद गए आपको रश करना है। तो आप और एक बात, आपको जोन भी देखना है कि जोन किस साइड से आ रहा है, मतलब एनिमी के साइड से अगर जोन आ रहा है तो आप गए वहाँ पर होल्ड होना है आपको। जैसे मैं यहाँ पर होल्ड हो चुका हूँ, मतलब एनिमी के साइड से जोन आ रहा है तो एनिमी को हमारी तरफ आना ही होगा। अगर आपको आपके साइड जोन है तो आप गाइस किसी भी एक सेफ जगह से पहले जाकर सेफ जगह पर रुक जाओ। तो यहाँ पर देखो गाइस एनिमी इस तरफ आ चुका है, तो उसको गाइस एक डैमेज देते हैं। यार मेरा थोड़ा सा डैमेज हो चुका है, बहुत ही डैमेज दे दिया एनिमी। तो गाइस मैं थोड़ा वॉल करके मतलब थोड़ा हिल बढ़ा रहा हूँ, और इसके साथ गाइस ये बंदा भी गाइस मेरे को, और गाइस जोन भी आ रहा है इधर से। तो लगता है गाइस इस राउंड हम नहीं जीत पाएंगे, तो देखते गाइस क्या होता है। ये बंदा नीचे आ चुका है और गाइस थोड़ा सा डैमेज दे दिया रिलोडिंग पर भी, और गाइस मार दिया गाइस। तो कोई बात नहीं गाइस, मैक्स सेवन इसलिए मैं सजेस्ट कर रहा हूँ कि गाइस ये शॉर्ट रेंज में बहुत ही ओपी चलता है। तो ये उस बंदे को दो बार ये बंदा हार चुका है। तो मैं यहाँ पर 4th पोजीशन से 3rd पोजीशन पर आ चुका हूँ, और एक भी बार मैंने मतलब नहीं बार मारा हूँ, तो इसलिए मेरा 3-स्टार ही है। तो इस बंदे के साथ और एक बार मुझे मैच खेलने का मौका मिला है। इस बंदे को मैं अगर मार दिया तो ये बंदा एलिमिनेट हो जाएगा परमानेंट। तो इसके लिए 3 राउंड आपको दिया जाएगा मारने के लिए। तो मैं अगर एक बार इस बार को मार दूंगा तो ये बंदा एलिमिनेट हो जाएगा पक्का। तो इसको थोड़ा सा डैमेज दिया है डेजर्ट से, और इस बंदे के साइड से जोन आ रहा है, तो इसलिए बंदे मेरे तरफ ही आएंगे। और ये बंदा तो ऑफलाइन निकला है, बंदा ऑफलाइन हो चुका है। तो ये बंदे को फाइनली मुझे गाइस मारना पड़ा, और गाइस ये बंदा एलिमिनेट हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हो बंदा एलिमिनेट हो जाएगा, 3 राउंड जैसे ही हार गया तो ये बंदा एलिमिनेट हो चुका है। तो अब गाइस मैं 3rd पोजीशन पे आ चुका हूँ, 2nd पोजीशन पे, और मैंने एक बार भी नहीं मारा हूँ। तो और एक बार और एक बंदे के साथ मुझे खेलना दिया जाएगा, जो बंदा 2 बार ऑलरेडी मर चुका है और ये एक आखिरी बार जिंदा है। तो बंदा कहाँ से आ रहा है वो गाइस पहले आपको देख लेना है। हाँ गाइस, तो अभी तो गाइस फुटस्टेप नहीं मिल रहा है, मतलब कहाँ से आ रहा है मुझे भी ठीक से समझ नहीं आ रहा है। तो देखते हैं गाइस कहाँ से आ रहा है। अभी गाइस अब तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को भी लाइक कर दो। वो भाई एक बंदा तो ऑफलाइन है, तो इसको भी गाइस हमने मतलब क्या बोलूँगा, ऑफलाइन बंदे को मारने का मजा ही कुछ अलग है। तो इस बंदे को हमने मारा कि इसको भी एलिमिनेट हमने करवा दिया। तो आप गाइस बचे हम दोनों, और दोनों बचे मतलब 2v2 बचे। तो ये बंदे भी गाइस एक बार मर चुका है, 2 बार अभी भी जिंदा है, तो 2 बार इसको मारना पड़ेगा हमको। तो देखते गाइस क्या होता है इस मैच को, आप जल्दी से देखो और गाइस जल्दी से सब्सक्राइब कर दो वीडियो को। क्या कर रहे हो गाइस, आप वीडियो देखते रहते हो गाइस, सब्सक्राइब नहीं करते, लाइक नहीं करते, दिल से बुरा लगता है गाइस। तो गाइस देखते हैं गाइस, मैं ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स आपको देते रहूँगा। और गाइस न्यू जो आपको जो चाहिए आपको बस कमेंट के जरूर बताना, मतलब कमेंट करके बताना क्या चाहिए, कौन सी टाइप का वीडियो मैं लेके आऊँ। तो इस बंदे को भी गाइस हेड मार के मैक्स 7 से मैंने जीत लिया है, और आप देख सकते हो मेरा 3 स्टार मतलब तीनों ये फुल है, मतलब मैं एक बार भी नहीं मरा हूँ। तो मैंने तीनों बंदे को एलिमिनेट कर दिया, और अभी मेरे साथ और एक बंदे की खेल हो रहा है, वो भी गाइस तीनों एक बार भी नहीं मरा है। तो गाइस मतलब टक्कर की पोजीशन होने वाला है आज, देख ही सकते हो आप।
3v3 पोजीशन पा चुका, वो भी गाइस एक बार भी नहीं मारा, मैं भी गाइस एक बार भी नहीं मारा, मतलब बहुत ही ओपी खेलता है मेरी तरह। तो इसको गाइस अगर मैंने मार दिया तो गाइस आपको चैनल को एक सब्सक्राइब और एक वीडियो लाइक को करना ही पड़ेगा। हाँ गाइस, तो पहले देखते हैं एनिमी किधर से आ रहा है, थोड़ी गाइस होल्ड करके देखेंगे। तो एनिमी गाइस इस साइड से आ रहा है, तो एक डेजर्ट का एक गोली फटका लगा और गाइस इसके साथ ओम का एक गोली मार के मैंने एक राउंड उसको हरा दिया। तो दूसरी राउंड की बारी है, दूसरी राउंड गाइस मैं सेम कॉम्बिनेशन ही लेता हूँ क्योंकि ये कॉम्बिनेशन सबसे बेस्ट है इस मैच को जीतने के लिए। तो आप गाइस देख सकते हो मैंने एक बार भी नहीं मारा इस गन कॉम्बिनेशन की वजह से। हाँ गाइस, तो शॉर्ट रेंज में आपको ऑलवेज गाइस मैक्सिमम यूज़ करना पड़ेगा और गाइस लॉन्ग रेंज पे ओम है, डेजर्ट है, आप जो भी जो आपको पसंद है वो चला सकते हो। तो आप डेजर्ट के बदले में आप उजी भी यूज़ कर सकते हो। तो आपको गाइस थोड़ी सी सेंस लगा के, मतलब थोड़ी सी आपको दिमाग लगा के खेलना पड़ेगा क्योंकि गाइस आपको होल्ड करके खेलना है। आप जैसे ही राश करने जाओगे एनिमी आपको पहले ही मार देगा, तो आपको होल्ड करके खेलना है तो आप पक्का जीतोगे। हाँ गाइस, तो इसको मैं आप दिखाऊंगा चैंपियन होकर, दिखाऊंगा आपको मैं फर्स्ट आके दिखाऊंगा। एनिमी थोड़ी सी डैमेज तो मुझे दे दिया है बहुत ही, तो अब देखते हैं गाइस क्या होता है। एनिमी आ चुका है, सामने से आ रहा है, तो अगर आएगा तो मैं जंप करके मार दूंगा। अरे भाई, मतलब बहुत ही डैमेज दे रहा है बंदा, ये बंदा बहुत ही प्रो चुका है। भाई साहब कहाँ से आ गया, मतलब यार मैं जोन के बाहर आ चुका हूँ। और गाइस हेडशॉट मार के गाइस देखा गाइस मैक्सिमम बहुत ही ओपी गन है, तो मैंने इसको दो बार हरा दिया है और आखिरी चांस आखिरी बार मैंने इसको अगर इसको मार दिया तो पक्का मुझे बुया मिल जाएगा और गाइस इसके साथ मैं फर्स्ट आ जाऊँगा इस मैच में। तो ये रहा बंदा, अरे यार नहीं लग रहा है, मतलब इसके आर पर नहीं लगेगा आपको। तो मैं यहाँ पर थोड़ा बम फेंकता हूँ, थोड़ा सा डैमेज। अरे यार एक लग जा, भाई 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 करीब आ चुका है इसके साथ। गाइस एक गोली का बचा है और गाइस ख़त्म, मतलब गाइस तुम्हारे भाई को विक्ट्री मिल चुका है। आप गाइस देख रहे हो मैंने तीनों बार इसको हरा के इसको भी एलिमिनेट कर दिया, टोटल चार बंदे को मैंने एलिमिनेट कराया और इसके साथ फर्स्ट पोजीशन पे तुम्हारा भाई आ चुका है। आप भी गाइस इसके साथ बुरा मिल सकते हो। तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, टाटा।